दोस्तों समंदर के किनारे खड़ा जहाज सेफ तो रहता है, लेकिन क्या उसका पर्पस समंदर के किनारे खड़े रहना है? आज के विषय पे हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शिप की जो तट पे है लेकिन उसका पर्पस तट पे रहना नहीं है। दोस्तों मैं हूं संदीप सिंह और आपकी इस एसे सीरीज में हम 2022 का एक एसे ले रहे हैं और उस एसे की खास बातें जितनी हैं वो डिकोड करेंगे। उसके बाद हम एक एक करके क्या क्या कॉन्टेंट उसमें आ सकता है, कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, वो सारी बातें लेके आएंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इस मेटाफर को समझने से। जब भी शिप हार्बर पे है या तट पे है उसका मतलब वो अपने कंफर्ट जोन पे है। सिमिलर इंसान भी कंफर्ट जोन पे हो सकता है, कोई नेशन भी कंफर्ट जोन पे हो सकता है, मतलब जो उसका नेचुरल स्टेट है कि हाँ यार ठीक है यहीं तक ठीक है, इसके आगे मेहनत नहीं करते। शिप का पर्पज क्या है, सेम आप इंसान का पर्पज क्या है लाइफ का, चैलेंजिंग टास्क करना या कुछ नया करना, उस तरह से आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। किसी स्टेट का जो चैलेंजिंग काम है, किसी पर्टिकुलर एरिया में जब स्टेट इंटर करता है, चाहे स्टार्टअप इंडिया है या कोई भी इंडिया है, उस तरह की चीज़ें जब आप लिंक कर सकते हैं इस विषय से, तो कंफर्ट जोन और एक पर्पज, इन दोनों के बीच में आपको पूरा का पूरा ऐसे राइड करना है। तो अब शुरू करते हैं इसके बेसिक डिफिनेशन से। तो जब आप नेचर ऑफ कंफर्ट जोन की बातें करेंगे तो उसके अंदर आएगा कि कंफर्ट जोन होता क्या है। कंफर्ट जोन एक ऐसा जोन होता है जो कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ को रोकता है, क्योंकि आप इनर्सिया की पोजिशन पर होते हैं। जैसे चीज़ें चल रही होती हैं वैसे ही चीज़ें आप चलने देना चाहते हैं। और इसका सिर्फ फिजिकल आस्पेक्ट नहीं है, इसका साइकोलॉजिकल आस्पेक्ट भी है, क्योंकि आप फियर ऑफ फेल्योर से डरते हैं। कुछ भी नया करने से पहले, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी, किसी भी एग्जाम की तैयारी जब आप करने निकलते हैं, तब भी एक डर होता है कि कहीं ना फेल हो जाए नहीं हो जाए। और फिर एक और होता है इंपॉर्टेंट रोल, रूल ऑफ रूटीन, कि जो भी तरीके आप जी रहे हैं ज़िंदगी के, कि सुबह उठते हैं 10 बजे, फिर उस तरह से चीज़ें करते हैं, तो उस रूटीन से बाहर आने की भी एक समस्या होती है। इस वजह से भी लोग कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं और ये नेचर होता है कंफर्ट जोन का, ये आपको बेसिक समझ लेना है। अगर इसको आप स्टेट लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो फिर स्टेट की चीज़ें वैसे चल रही होती हैं, पॉलिटिशियंस नया चेंज नहीं करना चाहते क्योंकि उनको लगता है कि वोटर्स बहुत ज़्यादा नए चेंज को पसंद करेंगे नहीं करेंगे, तो रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। तो आपको इंटरप्रेट करना है इसको अलग अलग लेवल पे, बेसिक यहां पे समझाया जा रहा है, इंटरप्रिटेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। फिर एक जो कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हैं, द एलर ऑफ सेफ्टी, मतलब कि जो सेफ्टी है ना वो अपने आप में बहुत अट्रैक्टिव होती है। आप अपने कंफर्ट जोन पे हैं, आराम से रह रहे हैं, कोई रिस्क नहीं है, कुछ नहीं है लाइफ में और एक सुकून सा लगता है। तो वो जो है कि हमें क्या रिलेशनशिप है डर में और सेफ्टी में, वो याद रखना है कि जब आपको डर लगता है बाहर की दुनिया से तो आपको अपनी जो दुनिया आपने बना रखी है वही सेफ लगती है। फिर है कि आप क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं ऐसे ही सेफ्टी में बने रहने के, अपने कम्फर्ट जोन को चैलेंज ना करने के, तो कहीं ना कहीं आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर सकते हैं। ये आपको एक्सप्लेन करना है कि कैसे अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर सकते हैं। अब इंडिविजुअल लेवल पे बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं जो रिस्क आपने नहीं लिया, अपना व्यक्तिगत एग्जांपल नहीं, इन जनरल बता सकते हैं। और फिर आपको केस स्टडी कोई ना कोई ले लेना है जहाँ पे व्यक्ति ने रिस्क नहीं लिया और काफ़ी पीछे चला गया। स्टार्टअप से जोड़ के इस तरह के टॉपिक्स पे आप ज़्यादा बेहतर लिख सकते हैं कि किसी ने अपनी जॉब को चुना स्टार्टअप, जब उसके दोस्त कर रहे थे तो उसने स्टार्टअप नहीं किया और आज वो बहुत पीछे है। तो इस तरह की बातें आप ले सकते हैं। फिर आप लिख सकते हैं रिस्क को कैसे गले लगाना है और ये क्यों पाथ ऑफ सक्सेस है, वो आपको बताना है। तो दो चीज़ें इसमें ध्यान देनी है, एक ग्रोथ माइंडसेट है, एक अपने फेल्योर से जानना है। ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है, जब आप कंफर्ट जोन चेंज करके कुछ अलग करना चाहते हैं, खासतौर पर जितने एंटरप्रेन्योर्स हैं उसमें शुरू शुरू में ऐसे लगेगा कि यार जॉब में पैसा नहीं है, सारी चीज़ें नहीं है, लेकिन वो ग्रोथ माइंडसेट है, उनको 10 साल 5 साल बाद का पता होता है, वो उस तरह से प्लान करते हैं। तो आपके पास वो माइंडसेट होना चाहिए जहां आप इमीडिएट गोल के बारे में ना सोचें, कम से कम थोड़ा दूर का सोच के आप चलें और फिर जो भी फेल्योर्स हैं आपकी, जो बेसिक गलतियां आप कर रहे हैं उस पूरे प्रोसेस में, उससे सीखने की काबिलियत, तो ये कहीं ना कहीं रिस्क लेने की जो काबिलियत है इन दोनों आधारों पर टिकी होती है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है, वो है कि कैसे आप अपने डर पर जीत हासिल करेंगे। जब आप समझ लिए हैं कि आप रिस्क लेना चाहते हैं, उसको गले लगाना चाहते हैं, तब आपको क्या करना है, तो आपको सबसे पहले अपने डर को समझना है। आपके डर पारिवारिक डर हो सकते हैं, व्यक्तिगत डर हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, सामाजिक, बहुत सारे डर हो सकते हैं। और ये डर अगर आपको और भी भारतीय सापेक्ष में लिखना है तो आप बहुत सारे कनेक्टिंग टॉपिक ले सकते हैं। जैसे शुरू शुरू में जब राजा राम मोहन राय ने शुरू करा होगा अपना ये सामाजिक सुधार आंदोलन, तब उनके दिमाग में भी डर रहा होगा, वो कैसे डर होते हैं, उस डर से कैसे जीत पाते हैं। वैसे आपको हिस्टोरिकल चीज़ों में इन चीज़ों को ग्राउंड करना है, ये अब्स्ट्रैक्ट जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनको ग्राउंड करेंगे, कोहेरेंस होनी चाहिए, लेकिन इस तरह के टॉपिक को कैसे डिकोड करना है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर आपको रिजिलियंस बिल्ड करना है, मतलब खुद को इतना स्ट्रांग बनाना है कि बाकी चीज़ों से आपको उतना फ़र्क ना पड़े, आप स्ट्रगल करना सीख जाएँ और आप थोड़े मजबूत बन जाएँ।
और तीसरा जो इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट होगा इसमें पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग मतलब जहाँ आपको ये उम्मीद है कि चीज़ें बेहतर होंगी और उसी उम्मीद के साथ आप मेहनत करते जाते हैं, आप बार बार बैक नहीं जाते कि ये हो जाता तो वो हो जाता, ऐसे करके नहीं रहते, आप उम्मीद रखते हैं और ख़ुद पर यकीन रखते हैं। तो ये तरीके होते हैं पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग के। फिर और आगे क्या कर सकते हैं इस हिस्से में, तो आप टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क के बारे में बातें कर सकते हैं कि ठीक है आपने रिस्क ले लिया, आप कंफर्ट जोन से बाहर जाना चाहते हैं, जहाज़ अब निकलना चाहता है समंदर में, गोते लगाना चाहता है, लेकिन वो ऐसे ही गोते नहीं लगाएगा, उसके पास एक प्लानिंग होगी। सिमिलर ह्यूमंस के पास होता है जब वो जाते हैं तैयारी में जाते हैं, किसी भी स्पोर्ट्स में जाते हैं, किसी भी जगह जाते हैं, उनका एक प्लानिंग होता है। तो आपको प्लानिंग पार्ट दिखाना है, कैलकुलेटेड रिस्क वाला पार्ट दिखाना है, तो आपको क्या करना है, रिस्क असेसमेंट करना है। अब इसको कैसे आप केस में देखेंगे, सपोज करें कि भारत जो है हिमालय पे एक बेहतर सड़क बनाना चाहता है, कंफर्ट जोन ये है कि कुछ ना करे, ऐसे ही चीज़ें चलती रहें, मैदानी जो इलाके में हैं ग्रोथ होती रहे, लेकिन इंडिया के सिक्योरिटी पर्पज़ से, बहुत सारे पर्पज़ से वहाँ अच्छी सड़कें होना ज़रूरी है। अब इंडिया ने डिसाइड किया कि हम अपना कम्फर्ट जोन चेंज करेंगे और वहाँ सड़कें बनाएंगे। शुरू में डर रहेगा कि इतना पैसा लगेगा, कितना सिक्योरिटी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। धीरे धीरे इंडिया ने कहा कि हम सड़क बनाएंगे। अब वहाँ पे प्लानिंग चाहिए, कैलकुलेटेड रिस्क चाहिए, तो उसमें आप रिस्क असेसमेंट करेंगे कि इन्वायरमेंटल डैमेज कहाँ कहाँ है, क्या चीज़ें हो सकती हैं, कौन सा रूट बेहतर है, वो असेसमेंट आपको करना है, रैंडम ऐसे क्योस में नहीं जाना है। फिर बैलेंस करना है रिस्क और रिवॉर्ड, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बहुत बार आपको लगेगा कि रिस्क बहुत ज़्यादा है, रिवॉर्ड बहुत कम है, तो फिर आप कहीं ना कहीं बैक आना चाहेंगे, दूसरा प्लान करेंगे। फिर आप कोई ना कोई केस स्टडी ले लीजिए, जैसे अभी हमने लिया है हिमालय में सड़क बनाने के, या ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो आप कनेक्ट कर पाएंगे उस चीज़ को। बस की पॉइंट्स ये होने चाहिए जिसके थीम के अराउंड आप ये लिखने की कोशिश करेंगे। फिर पर्सनल लेवल पे जब है कि किस और किस तरह के केसेस में हो सकता है, जो लोग पैशन फॉलो करते हैं, अपने सपने फॉलो करते हैं, उन लोग के सापेक्ष भी ऐसे लिखा जा सकता है। तो कैसे व्यक्तिगत तौर पर, कि जो लोग गाना चाहते हैं या कुछ अलग करना चाहते हैं जो नॉर्मल नहीं है, जिसे लोग बहुत आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते, तो आपको इस जोन में अगर एक्सेल करना है, कुछ अलग करना है, तो क्या स्टेप्स आपको लेने चाहिए, कैसे इसको आप एक्सप्लेन कर पाएंगे, तो आपको क्या करना है, इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है रिस्क। पहले तो अपने जो भी पैसन्स हैं उसको आइडेंटिफाई करना कि आपके अंदर क्या कला है, आप किस जोन में जाना चाहते हैं। फिर जो भी बैरियर्स आपके सामने रखे हुए हैं, वो सोसाइटल भी हो सकते हैं, पारिवारिक भी हो सकते हैं, जितने भी बैरियर्स हैं आपको वो ब्रेक करना है। और इसमें आप सिंपल बहुत सारे केस ले सकते हैं, कोई भी सिंगर का केस ले लीजिए, किसी क्रिकेटर का केस ले लीजिए, विराट कोहली का ले लीजिए, किसी का भी ले लीजिए, और इस तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए कि कैसे उस इंसान ने अपना एक पैशन फॉलो करने के लिए, जो अपना कंफर्ट जोन है उसे चेंज किया और एक रिस्क लेने की काबिलियत दिखाई। अब ये तो हुआ पूरा का पूरा जो रिस्क, कम्फर्ट जोन, इसके आसपास के जितने कॉन्टेंट हो सकते हैं उसकी पॉसिबिलिटी, और इसके आखिरी में आपको बताना चाहूँगा कि कैसे इसको आपको कनेक्ट करना है। जितने भी विषय हमने लिए, और भी विषय जोड़े जा सकते हैं जो अपने दिमाग से जोड़ लें, बेसिक चीज़ें ही आनी चाहिए। फिर है कि कैसे आप इस तरह के रिस्क एम्ब्रेस करते हैं पर्सनल ग्रोथ के लिए, तो कैरियर एडवांसमेंट के लिए भी बहुत सही होता है। जैसे अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है, तो बहुत लोग सोचेंगे कि यार हम जितना जानते हैं उतना ही जानते रहते हैं, उसी तरह की जॉब करते रहते हैं, कोई मतलब नहीं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि हमें छुट्टी लेके ये AI सीखना है, तो वो सीखेंगे और जोन में आगे करेंगे। तो वो रिस्क लेने का मतलब है कि रिस्क रिवार्ड के साथ जुड़ा है। आप अभी रिस्क लेंगे तो कहीं ना कहीं आपका फ़ायदा होगा, तो आपको कैरियर एडवांसमेंट में भी उसकी मदद बनेगी। फिर आप एंटरप्रेन्योरशिप को इस पूरे टॉपिक से बहुत अच्छे से जोड़ सकते हैं, क्योंकि वो काफ़ी रिस्की जोन होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग ये करते हैं उनको लाइफ का पर्पस मिल जाता है वहाँ पे। तो वो कम्फर्ट जोन और रिस्क का जो बैलेंस है, जो शिप हार्बर पे है और समंदर में है, उसके बीच का जो बैलेंस है, कहीं ना कहीं जितने भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो बेहतर तरीके से बता पाते हैं या उस चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे। फिर इनोवेशन और क्रिएटिविटी के बारे में भी ये बातें कर सकते हैं कि कैसे जो एक कंफर्ट जोन होता है वो इनोवेशन का प्रमोट नहीं करता, वो एक जो चीज़ें चल रही होती हैं सोसाइटल में, जो कॉमन सेंस होता है उस पर बेस्ड होती हैं। जब भी आपको कुछ नया करना पड़ता है तो आपको नए तरीके से सोचना पड़ता है, आपको सेफ्टी के बियॉन्ड जाना पड़ता है, अलग लेवल पर जाना पड़ता है। तो ये पूरी की पूरी जो डिबेट है, इसको आप कैसे ब्रेक करेंगे, क्या क्या वर्ड हो सकते हैं, क्या क्या हेडिंग हो सकती है, उसके बारे में बताया। दोस्तों, मैं हूं संदीप सिंह और लगातार ऐसे ही और भी ऐसे के टॉपिक आपको मिलेंगे। ये पूरा इसी हिसाब से नहीं लिखना है, बस मैं आपको कुछ पॉइंट्स दे रहा हूं कि क्या क्या आप ब्रेक कर सकते हैं, कैसे इस विषय को और भी अच्छे से समझ सकते हैं, वो इसका उद्देश्य है। जब भी आप इसको लिखें, आप इसके कोहेरेंस का ध्यान रखें। ये नहीं कि सब कुछ लिखने के चक्कर में आप एकदम रायता बना दें, वैसा नहीं करना है। इसको एक अच्छे पैटर्न में आपको लिखना है, एक
कोहेरेंस होना चाहिए, राइटिंग स्टाइल इंपॉर्टेंट है, उसके बाद कैसे पॉइंट्स आप कनेक्ट करते हैं वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो कीवर्ड्स हैं वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वो आपको ध्यान रखना है और इस तरह से लिखना है। अभी और भी इसे की सीरीज़ में और भी इसेज़ हैं, आप देखते रहिए लगातार। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।